Hey guys, what's up everyone? Welcome back to my channel. तो guys, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का शोर चारों तरफ है एंड जितने भी बड़े बड़े काम है यानी क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टूल का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में आप क्यों इन AI टूल से दूर रहे? तो आज हम बात करने वाले टॉप 5 AI टूल्स के बारे में एंड इसके पहले भी टॉप 10 AI एप्स के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिला था आप लोगों से। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आएगा। सो लेट्स गो। ओके, सो लिस्ट में पहला AI टूल का नाम है डेको हेयर AI। ये AI टूल लिटरली आपका होश उड़ा देगा। तो वेबसाइट ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है एंड इस AI टूल के प्रॉम्प्ट बॉक्स में कुछ भी लिखोगे ना, मतलब कि जो भी लिखोगे वो रियल टाइम में आपको अपडेट करता जाएगा। सपोज मैं लिखता हूँ ए लैम्बोर्गिनी, जैसे कि देख पा रहे हो ये रियल टाइम में जनरेट कर रहा है। कुछ और ट्राई करता हूँ, लेट्स सपोज मैं प्रॉम्प्ट बॉक्स में लिखता हूँ ये ब्यूटीफुल 25 इयर्स ओल्ड गर्ल स्माइलिंग होल्डिंग फ्लावर्स इन हैंड इन द ईयर 3050 एंड जैसे कि देख पा रहे हो गाइस, मैं जो भी बोल रहा हूँ ये लिटरली स्टेप बाय स्टेप जनरेट करता जा रहा है, मतलब कि रियल टाइम में ये प्रॉम्प्ट जनरेट करता जा रहा है एंड ये वेबसाइट लिटरली वर्ल्ड का वन ऑफ द फास्टेस्ट टेक्स्ट टू AI इमेज जनरेटर है। देन जनरेटेड इमेज को स्क्रॉल करके इसके सारे वेरिएशंस देख सकते हो एंड फोटोज को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, आप अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज की फोटो रियलिस्टिक इमेजेस को यहाँ से जनरेट कर सकते हो। सपोज मैं अपना फेवरेट सेलिब्रिटी रणबीर कपूर को सिलेक्ट करता हूँ, देन प्रॉम्प्ट डालूंगा रणबीर कपूर एज लॉर्ड श्रीराम वेयरिंग सैफ्रॉन ड्रेस एंड जनरेट ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा एंड हियर इज द रिजल्ट। जैसे कि रिजल्ट आप देख पा रहे हो, रिजल्ट कतई जहर है, बहुत ही रियलिस्टिक इमेजेस, बहुत ही उम्दा इमेजेस जनरेट करके देता है। आप लोग यहाँ पे और भी डिफरेंट प्रॉम्प्ट ट्राई करके डिफरेंट सेलिब्रिटीज के साथ इसको जनरेट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि म्यूजिक बनाना, मतलब कि म्यूजिक प्रोडक्शन बहुत ही टफ है, बट इस AI टूल से बस एक कमांड डाल के आप म्यूजिक जनरेट कर सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुनो AI के बारे में। अब स्टूडियोस इंस्ट्रूमेंट हैवी सेटअप का कोई जरूरत नहीं है, बस सिंपली यहाँ पे अपना आइडियाज डाल के म्यूजिक जनरेट कर सकते हो। आपको बस अपना गाने का टॉपिक लिखना है एंड मूड बता दो एंड क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक कर दो। भाई कुछ ही सेकंड में आपका गाने रेडी हो जाएगा, लिरिक्स म्यूजिक ये सब खुद बना के देगा। भाई क्या चाहिए, और रिजल्ट आपके सामने है। सब्सक्राइब करो देखो मजा, शटअप राज का नशा, दोस्तों के साथ मिलके चलो वो दिखाए जो सबसे अलग हो। वेल, इसका म्यूजिक प्रोडक्शन काफी एक्यूरेट है, आप डिफरेंशिएट कर नहीं पाओगे ये ह्यूमन वॉइस है या AI वॉइस है, मतलब कि म्यूजिक प्रोडक्शन बहुत ही टफ चीज है और ये आपको एक मिनट या दो मिनट पे बना के दे रहा है, तो इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। मतलब आप अगर म्यूजिक प्रोडक्शन में हो तो म्यूजिक का आइडिया इस वेबसाइट से ले सकते हो। सो डेफिनेटली ट्राई दिस AI टूल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक करो। ओके, सो नेक्स्ट वाली AI टूल से आप अपने आवाज को चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। आपने इंस्टा रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स पे इस तरह के AI जनरेटेड वॉइसेस कभी ना कभी तो जरूर सुने होंगे। दिस इज द AI वॉइस दैट इज इन प्रीटी मच एवरी सिंगल रील ऑन Instagram। तो आप भी इस तरह के AI जनरेटेड वॉइसेस इजीली क्रिएट कर सकते हो इस वेबसाइट से। आपको बस अपना गूगल अकाउंट से इस वेबसाइट पे साइन इन कर लेना है, देन सिलेक्ट स्पीच टू स्पीच, देन यहाँ पे बहुत सारे प्री मेड वॉइसेस देखने को मिल जाएगा। आपको जो सही लगे उस वॉइस को सिलेक्ट कर लो, देन यहाँ पे रिकॉर्ड बटन में प्रेस करके अपना वॉइस को अपलोड कर दो, क्लिक ऑन जनरेट ऑप्शन। कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपका वॉइस AI वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। हियर इज द रिजल्ट। ओके, सो नेक्स्ट वाली AI टूल से आप अपने आवाज को चेंज कर सकते हो कुछ इस तरह से। वेल, एक और चीज, आप चाहो तो टेक्स्ट टू स्पीच ऑडियो भी जनरेट कर सकते हो। टेक्स्ट मतलब कि आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है एंड आप जो भी लिखोगे उस टाइपिंग के बेसिस पे आपको ऑडियो, मतलब कि AI जनरेटेड वॉइसेस जनरेट करके देगा। एंड यहाँ से वॉइस को सिलेक्ट कर लूंगा जो वॉइस मुझे चाहिए, देन जनरेट ऑप्शन पे क्लिक करती है आपको कुछ ही सेकंड में AI वॉइसेस जनरेट करके देगा। सो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो कभी ना कभी ये वाला AI टूल आपका जरूर काम आएगा, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक करो। दोस्तों नेक्स्ट वाली AI टूल काफी मजेदार है, मतलब आप लोगों से बहुत लोग मीम लवर हो या फिर मीम को दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत पसंद करते हो, तो ये वाली टूल आपके लिए। इस वेबसाइट से सिर्फ टेक्स्ट डाल के एक क्लिक में मीम बना सकते हो। वेबसाइट का नाम है supermeme.ai। गूगल पे सर्च कर लो इस वेबसाइट को, देन साइन अप कर लो अपना जीमेल अकाउंट से एंड यहाँ अपना इमेजिनेशन को डाल देना, मतलब कि प्रॉम्प्ट को डाल देना है। सपोज मैं प्रॉम्प्ट डालता हूँ इन ए फन वे, आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड फ्रॉम माय क्रश एंड हियर इज द रिजल्ट। बहुत सारे वेरिएशंस बना के देता है, आप चाहो तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, मतलब फॉन्ट को एडिट कर सकते हो, फॉन्ट का पोजीशनिंग को एडजस्ट कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो, ओवरऑल मतलब कि अपने हिसाब से मीम को जेनरेट कर सकते हो। आप इसे यहाँ से सेव करके डाउनलोड कर सकते हो एंड मीम्स अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो एंड इस वाली वीडियो को अपने उन दोस्तों को भेजो जिसको मीम देखना या फिर मीम बनाना पसंद है। बाकी इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक करो।
ओके सो लिस्ट में नंबर 5 में जो एआई टूल है इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। दोस्तों एक एआई का मतलब क्या है? एक ऐसा इंटेलिजेंट असिस्टेंट जो आपका सवाल का जवाब दे। नहीं, सिर्फ सवालों का जवाब देना और सोर्स लिंक प्रोवाइड करना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे भी वर्कर है एंड ये वाला टूल इसका परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि ये रियल टाइम असिस्टेंट है। ये आपका इमेज जनरेशन से लेके सॉन्ग क्रिएशन तक सब कुछ एक साथ कर सकता है। इस वाले टूल को आप वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो या फिर इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। इसका इंटरफेस काफी सिंपल एंड स्मार्ट है। आप सर्च बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हो, आपको अपना क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इस टूल का एक और चीज जो मुझे बहुत पसंद है वो है इसका इमेज जनरेशन फीचर। इसमें एक्यूरेट प्रॉम्प्ट डाल के आपको जिस टाइप का इमेज चाहिए आप उसी टाइप का इमेज को प्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब जनरेट कर सकते हो। सपोज मैं प्रॉम्प्ट डालता हूँ, ए मैन जॉगिंग इन सी शोर एट अर्ली मॉर्निंग। कुछ सेकंड वेट करो एंड आपका रिजल्ट आपके सामने हाजिर है। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 एआई टूल्स जो आपका फोन को बना देगा सुपर फोन और आपको बना देगा सुपर ह्यूमन, आयरन मैन जैसा। नहीं, लिटरली अभी एआई का ही जमाना है, तो आप इस टूल को यूज करके अपना क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हो। बाकी कमेंट करके बताओ आप किस टूल को सबसे पहले यूज करके देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।